जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, बहुत आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल से जुड़ जाएँ, ताकि आप को हमेशा वीडियो अच्छे मिलते रहें और जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में आप खुलकर लिख सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज, वो विषय है दोस्तों कि तीन बातें आपको छोड़ना है। जिन बातों को यदि आप छोड़ देंगे तो जीवन में हमेशा आप सफल हो पाएंगे। सबसे पहली बात है तुलना करना। हम जब भी किसी से हम खुद की तुलना करते हैं, ये एक बहुत बड़ा गलत बात है अपने आप में, क्योंकि अगर हम किसी से तुलना करेंगे तो हम खुद को छोटा या बड़ा पाएंगे। दो में से एक आंसर आपको मिलेगा, या सामान्य तीसरा आंसर मिल सकता है, बराबर मान लेंगे। ये कंडीशन इस जीवन में दुखदाई है। किसी से तुलना करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो हैं वो एक ही हैं और जो रहेंगे वो एक ही रहेंगे। हर व्यक्ति जहाँ पर जो भी जन्म लिया है, सबके पास एक अलग अलग यूनिक क्वालिटी है। आप में कुछ अलग होगी, सामने वाले में कुछ अलग होगी, आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन उसकी तुलना हमसे नहीं, खुद से नहीं कर सकते। तो ये एक बात का आपको ध्यान रखना है। ये बात अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आपकी आधी परेशानी दूर हो जाएगी। दूसरी बात है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो दोस्तों कि किसी से प्रभावित होना। हम किसी से भी बहुत जल्दी प्रभावित होकर हम हमारे मन में क्या है वो सब बातें बता देते हैं, तो किसी से भी प्रभावित हमें नहीं होना है, क्योंकि प्रभावित ही अगर होना है तो ईश्वर से होइएगा, उसे सब अपनी बात कहिएगा। किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका प्रभाव आपके मन से सब कुछ बातें उगला लेता है और आपके सब रहस्य वो जान लेता है, और उसका ही वो उपयोग कर आप पे ही उपयोग करता है और आपका फिर दुरुपयोग हो जाता है। थोड़ा टिपिकल बात है, लेकिन ये बात बिल्कुल बिल्कुल 100% सही है। इसलिए किसी से भी कोई प्रभावित होने की बात नहीं है। सम्मान जरूर दें, मान सम्मान सब दें, लेकिन प्रभावित होकर प्रभाव होना, फैन होना एक अलग बात है और किसी का सम्मान करना अलग बात है। इसलिए प्रभावित हो ना हो किसी से भी, इम्प्रेस ही अगर आपको होना तो ईश्वर से होइए, किसी से मत होइएगा, क्योंकि उसका इम्प्रेशन हमारे लिए थोड़ा दुखदाई नहीं, बहुत ज़्यादा दुखदाई हो जाता है। तीसरी बात है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप इन दोनों बातों को नहीं भी मानते हैं तो तीसरी बात है ईश्वर का स्मरण। आप कंटिन्यू भगवान का नाम लेते रहें, जो भी आपके इष्ट देव होते हैं उनका, आपको ज़रूर फायदा होगा और आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। कोई ये बात नहीं कहता है आपको तरह तरह के उपाय ये चीज़ों में जो भी हो आप करने के लिए, लेकिन सबसे मेन कीवर्ड आपको मैं बता देता हूँ, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है किसी भी परेशानी को दूर करने के लिए, एक ही है, आप ईश्वर का स्मरण करें, भगवान का नाम लें, दो वक्त नाम लें, चार वक्त नाम लें, हर समय नाम लें, जब जब आपको वक्त मिले ईश्वर का स्मरण करें, पूरे भावपूर्वक करें, पूरी श्रद्धापूर्वक करें, आपको ज़रूर फायदा होगा। कर्म करें, फल की चिंता न करें, ये भी ईश्वर ने गीता में स्पष्ट लिखा है। तो कर्म करने पर पूरा ध्यान दें, फल की चिंता आप ना करें। कर्म करना आपका काम है, फल देना उसके हाथ में। तो कर्म करें, फल की चिंता ना करें, ये भी एक बहुत बड़ी बात है जो ईश्वर ने गीता में क्लियर लिखा हुआ है। ये बहुत बड़ा मंत्र है अपने आप। तो इन चीज़ों को यदि आप फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत जल्दी कोई परेशानी नहीं होगी, कभी बुरा वक्त आपको नहीं देखना पड़ेगा पीछे मुड़कर। आपको वीडियो कैसा लगा अपनी राय आप कमेंट्स में खुलकर लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में से शेयर भी करेंगे। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री।